हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, एक वैकेंसी जो कि अभी रिसेंटली निकली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, तो वो सारी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो ऐसे ही जैसे आज मैंने जो ये वैकेंसी निकली है इसके अंदर जैसे आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, उसी प्रकार से इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज आएगी तो उसका वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म अप्लाई करने में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि CHO की वैकेंसी जो निकली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। इसके अंदर जो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये निकाली है किसने, नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ NHM ऑफ महाराष्ट्र। NHM ऑफ महाराष्ट्र ने ये वैकेंसी निकाली है। अब देखते हैं इसकी इसके अंदर कितनी पोस्ट है। तो इसके अंदर जो पोस्ट है वो काफ़ी सारी पोस्ट निकाली है, इस बार 7812 इसकी पोस्ट है। तो काफ़ी सारी पोस्ट है, इसके अंदर आपके भी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और काफ़ी इजी सा पेपर आता है तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब देखते हैं इसकी पोस्ट हो गई 7812, इसकी जो लास्ट डेट है वो है, लास्ट डेट है इसकी, जस्ट पास में ही है, 18 तारीख, 7वां महीना 2020। तो काफ़ी कम समय है, इससे पहले आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखते हैं इसकी क्या एलिजिबिलिटी है या कैसे इसको अप्लाई करना है, वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे। देखते हैं इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो देखते हैं पहले। एलिजिबिलिटी, अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी जो मांगी है वो होना चाहिए बैचलर इन आयुर्वेदिक, बैचलर इन आयुर्वेदिक, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन और बैचलर इन नर्सिंग। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि इसके अंदर कंपलसरी है होना। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है। ये एलिजिबिलिटी है महाराष्ट्र के अंदर आपका नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर होना चाहिए, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। फिर देखते हैं इसके बाद इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है। अप्लाई करने से पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या कैसे किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और कहां पर इसकी पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद। तो सिलेक्शन होने के बाद इसकी जो सिलेक्शन के इस बाद इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो रहेगा 6 से लेके 8 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर पोस्ट जो निकली है 7812 ये कहाँ कहाँ पर इसकी पोस्ट है। तो इसकी जो पोस्ट है वो है 27 डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्ट है, और इसकी जो सैलरी है वो देखते हैं। इसकी जो सैलरी है वो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर कितनी सैलरी रहेगी, जो 6 से 8 मंथ मैंने बताया है, 6 से 8 मंथ इसके अंदर जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग के 6 to 8 मंथ के अंदर वो रहेगी 10,000 पर मंथ के हिसाब से इसकी सैलरी रहेगी। ट्रेनिंग पीरियड में 6 से 8 मंथ तक इसकी सैलरी रहेगी,
10,000। फिर उसके बाद जस्ट ट्रेनिंग पीरियड के बाद इसकी सैलरी होगी 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। फिर आता है इसके बाद इंसेंटिव पे डिपेंड करेगा कि अपनी परफॉर्म, जो इंसेंटिव होगा वो होगा अप टू 15,000 पर मंथ। इसका इंसेंटिव रहेगा। अब ये इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव अपने परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंसेंटिव मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर इसकी सैलरी देखे तो कितनी हो गई, 40,000 इसकी सैलरी हो गई पर मंथ। तो सैलरी भी कम नहीं है, 40,000 इसकी सैलरी है। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो 27 स्टेट्स में कहीं पर भी हो सकती है, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे कौन से स्टेट से वहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी पोस्टिंग होगी कौन सी जगह। या तो होगी हेल्थ वेलफेयर सेंटर पे, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर पे, या होगी, या तो हेल्थ वेलफेयर सेंटर पे होगी या फिर हो सकती है सब सेंटर पे। तो ये इसके यहाँ पर पोस्टिंग होगी। फिर देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है वो देखते हैं। अब इसकी जो फॉर्म भरेगा वो होगा ऑफलाइन, इसका फॉर्म भरेगा। इसके अंदर जो पेमेंट की जो डीडी बनेगी वो कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, 27 स्टेट से, उसके अंदर आपको कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इसकी डीडी बनेगी। और इसको अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड। डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, टू फोटोज, और इसके साथ और भी और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया वो सब इसके अंदर, एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये इसके अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस है, जिसके अंदर 27 स्टेट्स है, उसके अंदर से आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना है। तो इसका जो 27 स्टेट्स है उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर आपको लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से जो स्टेट है उसका जो लिंक दिया हुआ है उस वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे। क्वेश्चंस का देखते हैं, इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर 50, ओनली 50 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, जो कि ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। और इसके अंदर जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा पासिंग का, मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, ओनली 40 मार्क्स आपको चाहिए। तो ये मिनिमम मार्क्स है इसके अंदर। और इसके अंदर देखते हैं कि जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छा फायदा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, अच्छा वो अपन मान सकते हैं कि एक अच्छा वो सिलेक्शन का तरीका है जिसके अंदर अपना सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी CHO की, जो वैकेंसी निकली है, वैकेंसी के अंदर पोस्ट का ध्यान रखना, 7,812 पोस्ट है, 7,812 पोस्ट इसके अंदर। तो इसका जो अप्लाई है वो आपको जरूर करना है, क्योंकि इसके अंदर आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और जो भी इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, जो कि जिसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि आपको पोस्ट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए जो एग्जाम्स है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। और जो भी अपना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल है उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है अभी मेडिकल सर्जिकल की, वो लेते रहिए। थैंक यू।